तो राउंड वन से सबसे पहले मैं आपको अपना वेब बिन का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। तो गाइस जैसे कि आप लोग ये जानते हैं कि हमने 750 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तब मुझे लगा था कि यार इडाटेन जंप पे तो कोई वीडियो बनाता ही नहीं है और पता नहीं मुझे इस इडाटेन जंप की वीडियो में मतलब सक्सेस मिलेगी कि नहीं। और आप लोगों को इतना ज़बरदस्त प्यार देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। बस जल्दी से मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक आप हेल्प करोगे, मैं जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर हिट कर दूँ, क्योंकि फिर मैं आप सब लोगों के लिए एक प्रेजेंट लाना चाहता हूँ। मैं एक सीरीज़ लाऊंगा जिसे हम कहेंगे चाइल्डहुड मेमोरीज़, जिसके अंदर मैं आपकी बचपन की यादें ताज़ा कर दूँगा और Q&A भी आने वाले 1000 सब्सक्राइबर। तो गाइस जो है कि आप लोगों ने मतलब डिमांड आई थी कि भाई टॉप 5 डार्टन बाइक्स पे वीडियो बना, तो ये वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है। तो फिर यार बस अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो अब हम बताएंगे कि टॉप 5 डार्टन बाइक्स जो हैं उसके अंदर देखो टोटल 6 लेजेंडरी डार्टन बाइक है और ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरे को किसी किन्हीं दो बाइकों को एक पोजीशन पे रखना था। तो जैसे कि हमारी जो फिफ्थ रैंक है वो हमारी फिफ्थ रैंक लेती है नेपट्यून, क्योंकि पहले मैं आपको नेपट्यून की एबिलिटीज़ वगैरह बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसको मैंने फिफ्थ रैंक पे क्यों रखा है। और अब जो बात करते हैं जो नेपट्यून की पहली एबिलिटी है वो ये है, क्योंकि देखो जो नेपट्यून है उसका एलिमेंट है वाटर। और गाइस नेपट्यून ना सिर्फ एक ऐसी बाइक है पूरे डार्टन बाइक्स में से 6 की 6 में से जो पानी के ऊपर सबसे तेज़ चलती है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर पानी के अंदर रेस हो रही है ना तो नेपट्यून सबसे तेज़ है, मतलब नेपट्यून की स्पीड सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट फ्लेम काइज़र से भी ज़्यादा स्पीड है नेपट्यून की पानी के अंदर। अब जो नेपट्यून थी वो हमारी थर्ड इडाटेन बाइक थी सीरीज़ में जो हमें दिखाई गई थी। जैसे हमारी पहले तो थी फ्लेम काइज़र, दूसरी थी थंडर एम्परर एंड तीसरी थी हमारी नेपट्यून। तो अब हम बात करते हैं कि मैंने नेपट्यून को फिफ्थ रैंक पे क्यों रखा है। देखो जो इसका सिंपल सा रीज़न ये है, जो हमारी पूरी सीरीज़ है इडाटेन जंप की उसके अंदर हमने इतनी ज़्यादा रेसेस देखी नहीं है कि नेपच्यून की, मतलब इतनी ज़्यादा हमने बैटल नहीं देखी औरों से। और जितना हमें दिखाया गया है सीरीज़ के अंदर उससे यही लगता है कि नेपच्यून को आई थिंक कोई भी हरा सकता है, क्योंकि देखो मेरे को ये नहीं पता कि नेपच्यून की फुल पोटेंशियल क्या है, क्योंकि वो हमें सीरीज़ में अभी तक बताई नहीं गई। और जैसे कि हमें पता है ये बहुत बड़े दुख की बात है कि सीज़न 2 इसका नहीं आने वाला, तो इसीलिए मैंने नेपच्यून को फिफ्थ रैंक पे रखा है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता इसकी फुल पोटेंशियल क्या है। लेकिन जो हमें बताया गया है सीरीज से जो हमें पता लगा है वो ये लगा है कि नेपच्यून एक तरीके से पूरी 6 की 6 बाइक्स के अंदर सबसे कमज़ोर है। बिकॉज जैसे कि हमें पता है कि जो इडाटेन बाइक्स है उनके पावर उनके ऊपर डिपेंड करती है जो उनके राइडर है, जितना ज़्यादा स्किल्ड उनका राइडर होगा उतनी ज़्यादा पावरफुल ये बाइक्स होंगी। और जो मकोटो है जो नेपट्यून को चलाती है वो इतनी ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया उसने इतनी ज़्यादा रेसेस नहीं करी, वो एक एक्सपीरियंस्ड राइडर नहीं है, इसलिए नेपट्यून हमारी फिफ्थ पोजीशन पे आती है। तब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ पोजीशन पे कौन सी बाइक आती है। तो हमारी फोर्थ पोजीशन पे आती है दो बाइक, एरो सीजर्स और हैमरहेड। और इन दोनों के राइडर का नाम है, एरो सीजर्स के राइडर का नाम है कोई एंड हमारे हैमरहेड के राइडर का नाम है आर्थर। तो गाइस पहले मैं आपको इन दोनों बाइकों की एबिलिटीज़ वगैरह बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इन दोनों बाइक को साथ में फोर्थ रैंक पे क्यों रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पावर्स एंड एबिलिटी है वो एरो सीजर्स की। तो गाइस एरो सीजर्स ना ऐसी बाइक है जो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हम इसे कह सकते हैं, मतलब ये बाइक एक तरीके से हल्की भी है और ये एयर को कंट्रोल भी कर सकती है। जैसे हम जानते हैं कि जो इसका मेन अटैक है एरो सीजर्स का वो है निंजुत्सु हरिकेन, जिसे जापानी में कहते हैं निंजुत्सु हरिकेन और इंग्लिश डब में और हिंदी डब में इसे कहा गया है एरो ब्लेड टॉर्नेडो। कोई को जो पावरफुल बनाता है वो ये है, क्योंकि देखो कोई एक राइडर तो अच्छा है ही और कोई एक निंजा राइडर है, तो वो काफ़ी सारी टेक्निक निंजा वाली भी यूज़ करता है, जैसे स्मोक बॉम्ब हो गया और वो एक पतली सी ग्रे कलर की वायर होती है जो वो बांध देता है कभी, और उसके ऊपर जब वो राइड करता है ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे लगता है जैसे कि कोई हवा में बाइक चला रहा है। हम बात करते हैं एबिलिटीज़ की हैमरहेड के बारे में। तो देखो गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले भी जब मैंने बताया था बाइक इन फोर सीरीज में हैमरहेड वगैरह की, मैंने बताया जो हैमरहेड है वो पूरी 6 की 6 लेजेंडरी बाइक में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग जो बताता है ना कि ये बाइक इतनी स्ट्रॉन्ग है वो ही इसका मेन अटैक वो है हैमर क्रश, मतलब इसके आगे चाहे पत्थर आ जाए, पहाड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये बाइक उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है।
बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये बाइक कि ये उन सब मतलब अटैक्स को झेल लेती है, और इसके अंदर इतनी पावर है कि ये सामने वाली चीज़ को मतलब पूरा डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ सकती है। और जैसे कि हमें पता है कि हैमर हेड एक अपहिल बाइक है, तो इसे चढ़ाई करने में तो यार ऐसे बिल्कुल मक्खन की तरह चढ़ती है ये। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया शॉर्ट में कि एरो सीजर्स और हैमर हेड की पावर्स वगैरह क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको मैंने इन दोनों बाइकों को एक साथ क्यों रखा है रैंक 4 पे। देखो गाइस, इसका सिंपल सा रीज़न ये है, जब एरो सीजर्स वर्सेस हैमर हेड की बैटल हुई थी टूर्नामेंट में, तब इन दोनों की जो मतलब रेस होती थी उसके अंदर 19-20 का फ़र्क था। कि मान लो जैसे कोई हल्का सा आगे चल रहा है तो फिर आर्थर हल्का सा आगे चल रहा है, ऐसे 19-20 का फर्क था इनका। और उस बैटल में जैसे कि हम सबको बताया कि कोई जीता था, वो कोई इसलिए जीता था क्योंकि जो फोर किंग्स थे गाबू के जो चेले वगैरह थे, उन्होंने एक बॉम्ब फोड़ा था जिसकी चपेट में आ गया था हमारा आर्थर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हैमर हेड और एरो सीजर्स की पावर ने एकदम इक्वल है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर इक्वल भी नहीं तो 19-20 का फर्क होगा। बस अब जो हमारी थर्ड रैंक पे बाइक आती है वो आती है जो बहुत सारे लोगों को पसंद भी होगी, इनफैक्ट मुझे भी थोड़ी बहुत पसंद है वो बाइक। वो जो हमारी थर्ड रैंक पे बाइक जगह बनाती है वो है थंडर एम्परर, और जो इस बाइक का राइडर है वो है क्यूएची शीडो मकोटो शीडो का भाई। अब देखो जो थंडर एम्परर है, इस बाइक का एलिमेंट है थंडर यानी इलेक्ट्रिसिटी। देखो जैसे कि अब मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले मैं इन बाइक की एबिलिटीज़ वगैरह बताऊंगा, देन फिर मैं आपको बताऊंगा मैं इसको रैंक 3 पे क्यों रखा है। तो पहले हम बात करते हैं इस बाइक की एबिलिटी के बारे में। तो इस बाइक का मेन अटैक या कह लो या मूव कह लो वो ये है, क्योंकि क्योंकि शीडो किसी भी थिन चीज़ के ऊपर अपने पैडल को स्लाइड करते हुए ले जाता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाती है रेस में, और वो कई बार राइडरों से आगे भी निकल जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि थंडर एम्परर के शॉर्ट में थोड़ी पावर वगैरह एबिलिटी वगैरह। तो हम बात करते हैं कि इस बाइक को मैंने थर्ड रैंक पे क्यों रखा है। थंडर एम्परर को थर्ड पोजीशन पे इसलिए रखा है क्योंकि देखो मान लो अब हमारे सिर्फ दो बाइक्स बचती हैं, फ्लेम काइजर और ब्लडी फैंग, और ये चीज़ हम दोनों जानते हैं कि चाहे थंडर एम्परर इन दोनों में से किसी भी बाइक से बैटल करे तो जीतेंगी तो वो दोनों बाइक ही, इसलिए मैंने थंडर एम्परर को रखा है थर्ड पोजीशन पे। और अब हम बात करते हैं कि हमारी सेकंड पोजीशन पे कौन सी बाइक आती है। तो हमारी जो सेकंड पोजीशन पे बाइक आती है ना, वो मेरी पर्सनल फेवरेट है और आई थिंक बहुत लोगों की फेवरेट होगी, वो है ब्लडी फैंग। अब पहले मैं आपको बता दूँ इसकी एबिलिटीज़ के बारे में, फलान डिमका ने जो मैं बताता आया हूँ अभी तक। तो जो इस बाइक की जो एबिलिटी है ना वो ये है, जिस पहले हम बात करते हैं कि इसका राइडर कौन है। इसका राइडर है गाबू शामेजीमा, जिसे कई लोग एक सन की लड़का भी कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो लोगों की मदद भी कर देता है। मतलब वो बाहर से कठोर दिखाता है लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और गाइस जो हमारी ब्लडी फैंग है ना, ये बाइक ऐसी है ब्लडी फैंग और फ्लेम काइजर कि इनके अंदर भी मैं कह सकते हैं कि 19-20 का फ़र्क है, क्योंकि वो इनके राइडर की वजह से, लेकिन जहाँ फ्लेम काइजर इससे आगे जाती है वो उसके राइडर की वजह से जाती है, शो यामाटो की वजह से। तो अभी मैं शो यामाटो की बात क्यों कर रहा हूँ, पहले हम बात करते हैं इसकी ब्लडी फैंग की एबिलिटी के बारे में। तो देखो गाइस जो ब्लडी फैंग का है ना, जो मेन अटैक है वो है ब्लडी इम्पैक्ट, और ये ब्लडी इम्पैक्ट ना मेरे को सबसे कूलेस्ट अटैक लगता है पूरी सीरीज का। बिकॉज इसके अंदर जैसे मान लो गाबू ने बनी हॉप मारा, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है, जिसके मतलब जो ज़मीन होती है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है, और फिर जब वो ज़मीन पे नीचे आता है ना, वो सिर्फ अपने पिछले टायर का यूज़ करता है, और जब वो पिछला टायर ज़मीन के कॉन्टैक्ट में आता है तब जो शॉक वेव पैदा होती है ना, उसे हम एक तरीके से अर्थक्वेक भी कह सकते हैं, उसकी वजह से आसपास की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब तहस नहस हो जाती हैं आसपास की, हम कह सकते हैं इसे। और जो इसका ब्लड इम्पैक्ट अटैक है वो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और यही चीज़ इसे रखती है रैंक 2 पे, क्योंकि ब्लड इम्पैक्ट के आगे देखो कोई नहीं बच पाया आज तक पूरी इन 6 के 6 डार्टन बाइक में। अगर इसने ब्लड इम्पैक्ट कर दिया ना इनके साथ रेस करते हुए, तो वो राइडर बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है वो राइडर। अब हम बात करते हैं कि मैंने इसे रैंक 2 पे क्यों रखा है, क्योंकि देखो मान लो गाबू नो डाउट क्योंकि से बहुत अच्छा राइडर है, ये हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जब गाबू वर्सेस 6 के 6 लेजेंडरी डार्टन बाइक्स फाइट हुई थी, तब आपको याद होगा कि गाबू ने सिर्फ एक ब्लडी इम्पैक्ट में क्योंकि को नीचे गिरा दिया था, जबकि क्योंकि दूसरे रोड पे था और गाबू दूसरे रोड पे था। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि गाबू क्योंकि से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और यही वजह थी कि मैंने ब्लडी फैंग को रैंक 2 पे रखा। अब हम बात करते हैं कि रैंक 1 पे कौन सी बाइक आती है, ये नो डाउट आप लोगों को पता लग गया होगा। रैंक 1 पे आती है हमारी फ्लेम काइजर। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि फ्लेम काइजर और ब्लडी फैंग के अंदर बीच में 19-20 का फ़र्क है, वो भी क्यों, देखो मान लो कि इंडार्टन बाइक की पावर उसके राइडर पे होती है,
तो जैसे हमारे जो राइडर है फ्लेम गाइजर का, वो है शो यमाटो। और शो यमाटो इतना मतलब कह सकते हैं ना गॉड गिफ्टेड राइडर है कि वो एक टाइम पे मल्टीपल स्किल्स होल्ड कर सकता है, जैसा उसने लास्ट फाइट में किया था अपने डैड के साथ। और ये बात मैं अभी आपको क्लियर कर दूँ कि फ्लेम गाइजर ना कभी नहीं हरा सकते इंपीरियल एक्स को, कभी भी नहीं। बाप में से कई लोग कहेंगे कि इसने हराया था, वो हराया था क्योंकि शो के अंदर टैलेंट था कि वो एक ही टाइम पे काफ़ी सारे मल्टीपल स्किल्स वो होल्ड कर सकता था। और इसका मैं ऐसे कह सकता हूँ, जैसे मान लो अगर उस टाइम शो चला रहा होता इंपीरियल टाइगर वगैरह, तो उस टाइम इंपीरियल टाइगर ही जीतती क्योंकि वो टैलेंट शो के अंदर था। और ये मैं तुम्हें पता है कि जो इडाटेन बाइक होती है उसकी पावर बेस्ड होती है उसके राइडर के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया है, तो हमारी फर्स्ट पोजीशन बनाती है फ्लेम गाइजर। और इसका जो अटैक है ना, इसके मान लो अटैक नहीं है, इस बाइक के सिर्फ मूव्स हैं, वो भी दो मूव्स हैं, एक है इडाटेन जंप और एक है इडाटेन मिरेकल जंप। इडाटेन जंप इज लाइक अ बनी हॉप, जो बनी हॉप से 4-5 या 10 गुना ज़्यादा हो। और जो इडाटेन मिरेकल जंप है ना, वो इडाटेन जंप का भी मतलब डबल ट्रिपल मान लो आप उसे, वो इतना बड़ा जंप होता है इडाटेन मिरेकल जंप। और यही जंप शो की मदद करता है अपने डैड को हराने में। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि टॉप 5 इडाटेन बाइक्स कौन सी थी। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगली वीडियो मेरी होने वाली एक एनिमे रिकमेंडेशन, जो एनिमे मैंने अभी अभी ख़त्म करा है 7 Deadly Sins, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बारे में मैं आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि वो एनिमे थोड़ा बहुत इडाटेन जंप जैसा ही है। एंड आई एम सॉरी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए नई वीडियो के बारे में, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे पूछता रहता हूँ कैसा थंबनेल। आप मुझे टॉपिक्स DM भी कर सकते हो कि भाई हमें इस टॉपिक पे चाहिए। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।